आई गेस सारे बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आई ना, राइट बच्चों? हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। चलो बच्चों, सो बेसिकली अगर मैं आपको बात बतूं, बात बोलूं, तो हम हेलो अल्केन हेलो अरेन स्टार्ट किए हैं, दैट इज आपका 12th का प्लस वन का ऑर्गेनिक पहला चैप्टर है। अगर मैं पूछूं क्या इम्पोर्टेंट है, तो बोलूंगा कि हर एक ऑर्गेनिक चैप्टर इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्यों? बिकॉज एग्जाम में कहाँ से क्या पूछते हैं किसी कुछ पता नहीं होता, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमने पहले क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कल हेलो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ाई किया, हमने उसके बारे में पढ़ाई किया, डन। एंड देन हमने क्या पढ़ा किया बच्चों? देन हमने ये पढ़ाई किया अलैलिक क्या होता है, विनाइलिक क्या होता है, अराइल क्या होता है, और बेंजालिक क्या होता है। और उसके बाद हमने क्या किया, आपका IUPAC नेम्स की पढ़ाई किया। अब देखो बच्चों, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं पहले वाले, जो कि आपका एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो आपका फिफ्थ वाला पार्ट है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स वाला पार्ट क्या बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बच्चों। तो पहला मैं क्या देता हूँ बच्चों, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब दूसरे वाला पार्ट है, ये जो पहला वाला पार्ट है इसके स्ट्रक्चर कैसे बने बच्चों, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पहला कार्बन क्या है? ये पहला कार्बन है, यहाँ पे CH3 है बच्चों, यहाँ पे CH3, लिखो यहाँ पे CH3। तो हमने क्या लिखा? CH3 लिखा बच्चों। उसके बाद क्या बच्चों? CH है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। फिर क्या बच्चों? Cl है, नीचे लिखो Cl। फिर क्या बच्चों? अगेन एक CH आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे Cl लिखो और यहाँ पे H लिखो। फिर क्या रहा बच्चों? अगेन ब्रोमीन आ रहा है, क्या लिखो? ब्रोमीन लिखो बच्चों। फिर क्या बच्चों? अगेन आपका CH3 है, तो ये आपका CH3 आ गया। अब क्या हो बच्चों? अब नंबरिंग दो बच्चों, 1, 2, 1, 2, 3 एंड 4, राइट बच्चा। तो इसका नाम क्या है बच्चों, कैसे करोगे? बहुत सिंपल आ गया, इसका नाम कैसे होगा? आप क्या बोलोगे? आप ये टू बोलोगे दैट इज 2 ब्रोमो 2 थ्री क्लोरो टू ब्रोमो ब्यूटेन थ्री क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्यूटेन ये इसका नाम होगा, ये इसका नाम आ जाएगा। सिमिलर अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप है ना सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, आप है ना सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तो ये भी काफी सिंपल है। बता रहे बच्चों तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। क्या बच्चों? ये जैसे लिखते हैं उसको लिखते हैं, देखिए क्या लिखा बच्चों, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और क्या बच्चों? दो फ्लोरीन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया और यहाँ पे भी फ्लोरीन आ रहा है। फिर क्या बच्चों? और एक कार्बन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन बना है। फिर क्या बच्चों? Br भी है, Cl भी है और फ्लोरीन भी है। तो क्या बच्चों आ गया? आप बोलोगे Br भी है, क्लोरीन भी है और आपका फ्लोरीन भी है। अब देखो नंबरिंग करेंगे बच्चों, ये फर्स्ट कार्बन, ये हो गया आपका सेकंड कार्बन। अब देखो पहले कार्बन क्या बच्चों? एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन, तो कैसा नाम होगा बच्चों? ऐसा होगा दैट इज 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, होगा बच्चों? हाँ या ना? वन ब्रोमो यस वन क्लोरो। अब देखो अभी आप क्या बोलोगे, ये जो पूरा कंपाउंड है उसमें था बच्चों 3 फ्लोरिन, कितना आपका? 3 फ्लोरिन बच्चों, एक फ्लोरिन ये रहा, ये दूसरा फ्लोरिन और ये आपका तीसरा फ्लोरिन बच्चों, 3 फ्लोरिन आ गया। तो इसका नाम ऐसे लिखोगे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 कॉमा क्या बच्चों? 2 कॉमा, क्या आपका दो से कार्बन दो है, 1 कॉमा 2 कॉमा 2 ट्राई 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 फ्लोरी फ्लोरो ट्राई फ्लोरो इथेन, दो कार्बन सबसे सिंगल कैसे होगा? इथेन, ये इसका नाम है। तो बच्चों आपको ना ऐसे एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कराना चाहिए, आपको समझना, इसलिए बोल रहे बच्चों प्रैक्टिस करो आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। समझे सारे बच्चे अल्पाठ? अब देखो ये पार्ट हो गया। अब देखो अभी मैं आपको जो आपको ये बता रहा हूँ, ये पार्ट फोर्थ वाला जो पार्ट है, इसको तो गजब ही नाम आता है लेकिन मजेदार है, इतना डिफिकल्ट नहीं। देखो क्या बच्चों, देखो एक क्लोरीन है और एक सीएल है, तो क्या बच्चों होगा? एक क्लोरीन है और एक सीएल है। अब कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, तो क्या बच्चों वहां पे आपका 3 CCl3 है, तो क्या बच्चों यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बनाओ
और लिखो आपका सी सी एल थ्री, ये पहला सी सी एल थ्री, ये आपका दूसरा सी सी एल थ्री, और ये आपका तीसरा सी सी एल थ्री। हो गया बच्चा? हाँ या ना सारे बच्चे? अब देखो अभी आ रहा बच्चों, अभी आ रहा मैं, अब मैं सेल को बड़ा कर रहा हूँ। कैसे होगा? ऐसा होगा बच्चों, यहाँ पे एक सेल आ गया, यहाँ पे एक सेल आ गया, और यहाँ पे एक सेल आ गया। तुम यहाँ पे क्या हो बच्चो? यहाँ पे एक सेल आ गया, यहाँ पे एक सेल आ गया, और यहाँ पे भी एक सेल आ गया। फिर क्या बच्चों? ये एल पार्ट है। अब देखो अभी आपको आपको नंबरिंग करना, आपको नंबरिंग करना पड़ेगा बच्चों। कैसे नंबरिंग करोगे बच्चों? देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये आपका तीसरा कार्बन। तो मैंने आपका लॉन्ग चेन कार्बन ले लिया। और क्या बच्चों, ये किसा है? ये मेरा आ रहा है आपका सब्स्टिट्यूशन, ये आपका मेरा आ रहा है सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है। तो इसका नाम कैसे होगा बच्चों? ऐसा होगा, कैसे होगा बच्चों? इसका नाम ऐसा होगा बच्चों, वन कॉमा वन कॉमा वन। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन। तो क्या आ रहा है बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन में तीन क्लोरीन आ रहा है, तो क्या आपका वन कॉमा वन कॉमा वन। फिर क्या बच्चों? दूसरे में क्लोरीन आ रहा है, क्या बच्चों? यहाँ पे भी अगेन क्लोरीन आ गया, यहाँ पे दो आ गया। अब क्या बच्चों? जो आपका तीसरा वहां पे आपका तीन क्लोरीन और है, तो क्या होगा बच्चों? वन कॉमा वन कॉमा वन, टू कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री कॉमा थ्री, ये आ गया बच्चों। कितना आ गया आपका? सात। क्या क्या मैंने आप यहाँ पे मैंने आपका सात क्लोरीन लिख दिया मैंने। अब क्या बच्चों कितने क्लोरीन? सात है। तो क्या बोलोगे आप? बोलोगे हेप्टा, हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो, हेप्टा क्लोरो ब्रैकेट में। अब देखो ये कैसा बच्चों? ये एल पार्ट है। अब ये क्या बच्चों? ये आपका ब्रैकेट में जाएगा, तो कैसा होगा बच्चों? ऐसा होगा, दैट इज टू सेकंड में क्या ये एल पार्ट है। इसका नाम क्या बच्चों? ट्राई क्लोरो मीथेन, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो क्या बच्चों आ गया? ट्राई क्लोरो मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन आ गया। अब पूरा नाम क्या है बच्चों? इसमें कितना कार्बन? तीन का, तो क्या होगा आपका? होगा प्रोपेन, प्रोपेन, बिकॉज आपका लॉन्ग चेन, बिकॉज आपका लॉन्ग चेन है, ये आपका पूरा लॉन्ग चेन वाला पार्ट है ऐसा। तो नाम क्या होगा बच्चों? देखो वन कमा वन कमा वन, टू थ्री कमा थ्री कमा थ्री, हेप्टा क्लोरो। फिर क्या लिखे बच्चों? फिर मैंने उसका सब्स्टिट्यूट लिखा। क्या सब्स्टिट्यूट बच्चों? ये आपका सब्स्टिट्यूशन पार्ट है। तो क्या बच्चों? एक सेट कहाँ पे? ये टू में आ रहा है, तो क्या लिखा मैंने? ट्रू ट्राइक्लोरो मिथेन, ट्राइक्लोरो मिथेन ब्रेकलोस। फिर क्या लास्ट में क्या होगा आपका? प्रोपेन, ये इसका नाम आ जाएगा। तो बच्चों आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ा लग रहा है कंफ्यूजिंग, थोड़ा लग रहा है ना, थोड़ा अलग अलग लग रहा है, नहीं लग रहा, इसलिए बोल रहे बच्चों आपको, देखो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम पे कर लिया, मैं 100% बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, आपका 150 मार्क्स किधर नहीं गया। 150 मतलब कि 99% के ऊपर चला गया आपका मार्क्स, सच बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में? अरे मतलब कि पूरा सब्जेक्ट, अगर आप पूरा सब्जेक्ट का एनसीईआरटी फॉलो कर लोगे तो पूरा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ एनसीईआरटी फॉलो करो तो क्या होगा आपका 100 मार्क्स तो गारंटी आ जाएगा, 100 नहीं तो मिनिमम 80 मार्क्स तो आराम से आ जाएगा, गारंटी है। और आपका एंट्रेंस निकल गया, आपका एंट्रेंस वहां से निकल गया, सच पड़ा बच्चों। तो ऐसे कहते हैं बच्चों हम मैसेज का आईओपीएस नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे मैंने आपको रिविजन करा दिया बच्चों, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ने बच्चों? अब क्या पढ़ने वाले? अभी हम पढ़ने वाले आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या पढ़ने वाले बच्चों? अभी हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों? प्रिपरेशन मतलब क्या होता है? बनाते हैं हम क्या बनाएंगे बच्चों? हम बनाएंगे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। हम क्या बनाएंगे बच्चों यहाँ पे? हम यहाँ पे आपका आर एक्स बनाएंगे, हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितना बच्चों यहाँ पे, ये पहला मतलब यहाँ पे टोटल आपका कितना? तीन, छह रिएक्शन है बच्चों, लेकिन हर एक रिएक्शन का एक आपका खुद का इंपॉर्टेंस है बच्चों। इससे पढ़ना क्या बच्चा आपको? इसमें आपको ये पढ़ना, दैट इज आपको एक नेम रिएक्शन, एक आपको नेम जो भी इसका नेम रिएक्शन वो पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना क्या बच्चों? दूसरा आपको पढ़ना है इसका रिएजेंट्स, कि कौन सा रिएजेंट में क्या बनेगा, कौन सा रिएजेंट में क्या बनेगा, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए बच्चों। ये पार्ट समझे सारे बच्चे? डन? यस सर। अभी तक कोई बच्चों कुछ भी डाउट है तो मुझे प्लीज पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। हम आराम से, देखो वापस बोल रहा हूँ, अगेन सारे बच्चे बोल रहा हूँ, प्लीज आप प्रॉपरली प्यार समझो,
समझ में आ गया तो क्वेश्चंस बहुत इजी लगेगा, इतना हार्ड नहीं लगेगा। समझे बच्चों? डन, स्टार्ट करें। यस सर, यस सर। ओके, अब देख बच्चों, आपके बच्चों ये देखो, ये है आपका पहला, ये आपका पहला रिएक्शन बच्चों, पहला रिएक्शन है। अभी देखो यहाँ पे जो हम अल्कोहल बना, कहाँ से बना बच्चों? ये हम बना रहे कहाँ से? आपका अल्कोहल, कहाँ से? आपका अल्कोहल से बना रहे हैं। आर क्या बच्चों? आर आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी आपका अल्काइल चीज होता है बच्चों। क्या बना रहे हैं बच्चों? हम आर उसी करेंगे, कोई रीजन क्या बनाएंगे आपको? हम आर एक्स बनाएंगे, ये हमारा मेजर पार्ट है, काफी सिंपल है, आपको बेसिक बेसिक समझना है, ठीक है ना? ये पार्ट, अब देखो ये वाला पार्ट जो आपका पहला रिएक्शन है बच्चों। पहला रिएक्शन क्या बच्चों? आर एस लिया आपने, एससीएल डाला और आपने जिग्रो डाला, क्या बना बच्चों? ये बन गया आपका आरसीएल प्लस एस टू। अब देखो इससे क्या बच्चों, इससे एक नाम है बच्चों, इसका नाम क्या बच्चों? यहाँ पे दो नीचे लिखा है यार पार्ट, ये दिख रहा है बच्चों सारे बच्चे, फिर मैं अल्कोहल वाला पार्ट। यस सर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे हमने इथेनॉल लिया, मतलब ऐसा होगा दैट इज CH3 CH2OH लिया, तो क्या हो बच्चों, कैसा होगा? ये आपका R हो गया और ये आपका OH हो गया, ठीक है ना? आपने क्या क्या रिएजेंट लिया यूज किया बच्चों? आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज किया, और क्या यूज किया बच्चों? आपने यहाँ पे एनहाइड्रस एनहाइड्रस ZnCl2 यूज किया बच्चों, यूज किया, क्या बना बच्चा? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे CH3 CH2 Cl, कुछ नहीं किया बच्चों। देखो यहाँ पे OH था, क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे आपका Cl आ गया, और क्या हो गया बच्चों? आपका वाटर बन गया। तो क्या बच्चों, ये जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम होता है आपका, नाम होता है आपका लुकास, क्या नाम होता है इसका? लुकास रिएजेंट इसका नाम होता है। तो ये जो रिएजेंट है बच्चों, इसका नेम आपको प्रॉपरली आना चाहिए। यहाँ पे कोई डाउट है बच्चों? किसी बच्चे को भी कोई डाउट है कि आर कैसे है, सील कैसे पता चला बच्चों? ओके, अब देखो बच्चों ये कैसे बना हुआ, सिंपल सी, यहाँ पे देखो बच्चों ये पार्ट, सारे बच्चे यहाँ पे देखो जो, देखो ये सारे बच्चों देखो ये कैसा, ये वाला पार्ट है। यहाँ पे आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोन, तो क्या होगा ये? देखो ये ऐसा ऐसा होगा, तो ये ऐसा हो सकता है बच्चों। देखो ये वाला पार्ट, CH3CH HOH, ऐसे ही ना बच्चा, ऐसा ही है ना? अब देखो सर अबे कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचता है अपनी तरफ? आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन खींचता है, तो ऑक्सीजन। क्या होगा बच्चों? तो क्या कैसा होगा, क्या होगा बच्चों? ये बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा, तो जैसे बॉन्ड ब्रेक कैसा कैसा बनेगा बच्चों? ऐसा बनेगा दैट इज ओ नेगेटिव और ए सी पॉजिटिव, होगा बच्चा? हाँ या ना सारे बच्चे, होगा? यस सर। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे HCl है, तो क्या होगा बच्चों? होगा H+Cl-, होगा सारे बच्चे? यस सर। अब क्या होगा बच्चों, सिल कहाँ पे जाएगा बच्चों? सिल कहाँ पे जाएगा? सिल जाएगा आपका पॉजिटिव पास, क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl। अब क्या होगा बच्चों, ये जो आपका एच प्लस कहाँ पे जाएगा बच्चों? ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपका OH, क्या ओएच बनेगा, क्या बनेगा? वाटर बनेगा, बन गया वाटर, एच बन गया वाटर आपका यहाँ पे। समझे बच्चों हमने कैसे बनाया? सारे बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को यस सर। मेरे को दिक्कत नहीं ना, ऐसा बोल रहे हैं मतलब ऐसा ना? देखो आप देखो आप कह सकते हो बच्चों, आप है ना ऐसा रिएक्शन दे सकते हो। सारे बच्चे देखो जैसे इमोजी आ रहा है, तो थोड़ा सा आप थम्सअप डाल दो, थोड़ा सा ये डाल दो, थोड़ा सा क्लैपिंग कर दो, थोड़ा सा हंस लो, है ना? डाउट लगे तो ये थोड़ा, ये आपका डरने वाला इमोजी डाल दो अगर आपको डाउट लगे तो, ठीक है ना? तो बहुत सारे इमोजेस भी है, आप वो भी यूज कर सकते हो आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपरली समझ पढ़ना चाहिए। डन, अब देख बच्चा ये पार्ट, अब ये पार्ट देखो बच्चों, ये पार्ट दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यस कैसे, बिकॉज कैसे देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन जुड़ा है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे आपको कोई भी नो हाइड्रोजन, तो क्या होगा, कैसा होगा बच्चों? ये कैसा होगा? युग आपका टर्शियरी सर। कार्बन। अब देखो बच्चों, अब कैसा होगा बच्चों? अब देखो, अब बहुत सिंपल देखो, अब अगेन क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बच्चों ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्या होगा?
ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, राइट बच्चा? होगा यस सर। तो ऐसा तो ये बॉन्ड ऐसे कैसे बने, ओ एच नेगेटिव और यहाँ पे सी पॉजिटिव, होगा बच्चों? अब देखो अब यहाँ क्या बच्चों, अच्छा ये तो क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा ये एच है और ये आपका आई है। निशा बेटा आपका कैमरा ऑन हो चुका है, आप प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो सारे। निशा बेटा आपका, निशा देवी आपका कैमरा ऑन है, आप प्लीज ऑफ कर सकते हो क्या? ओके अब ये अच्छा मैं कैसा होगा, ये बॉन्ड ऐसे होगा बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे तो कैसे बनेगा आपका, एच प्लस और आई माइनस बच्चों। बच्चों हाँ या ना? सिंपल यस सर। अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ माइनस क्या जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ पे जाएगा, या आप यहाँ पे क्या ये अल्फा यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये वाटर बन गया और आपका ये अल्फा क्या बना आपका, टर्ट ब्यूटाइल आयोडीन बन गया। तो ये अल्फा आपको समझ में बच्चों, हमने हमने कैसे किया सारे बच्चे? यस सर। यस सर। ओके ओके अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूँ बच्चों, ये आपको सिंपल है कॉन्सेप्ट देखो। जब हम बात करते हो जब क्या होता है, जब क्या होता है, जब आपका कार्बन रहता है पॉजिटिव चार्ज, उसमें क्या बोलते बच्चों, उसमें बोलते आपका कार्बो, क्या बोलते बच्चों, कार्बो कटिंग, क्या बोलते उसको, कार्बोडन बोलते। कार्बो कटिंग मतलब क्या हुआ बच्चों, सर आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नो सर। दो सेकंड दो ठीक ना, आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होगा और कुछ नहीं। अभी आ रही है बच्चों मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सभी बच्चे को, सारे बच्चे? यस सर। यस सर। मैंने यहाँ पे क्या समझा आपको, मैंने आपको ये समझा है जब हम कार्बो कटिंग स्टेबिलिटी बात, क्या होता बच्चों, टर्शियरी सबसे स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका प्राइमरी आएगा बच्चों। अब देखो टर्शियरी कार्बो कटिंग मतलब क्या होता है, देखो ऐसा बता, यहाँ ध्यान समझो, यहाँ बता रहा हूँ। अब देखो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, है इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, सर ध्यान समझना। हाँ मेरे यहाँ पे इतना गर्मी हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, सही बता रहा हूँ। चलो अब देखो देखो ये देखो ये पार्ट, यहाँ पे सी एस थ्री आ गया, यहाँ पे सी एस थ्री आ गया और यहाँ पे सी एस थ्री आ गया, और यहाँ पे सोचो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पहला बना। दूसरा सा हो सकता है बच्चों, ऐसा हो सकता है यहाँ पे सी एस थ्री लिखो, यहाँ पे आपका सी एस थ्री लिखो और यहाँ पे पॉजिटिव लिखो, यहाँ पे एच लिखे और यहाँ पे लिखो पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चे, ये सब हो सकता है कार्बन, यहाँ पे सी एस थ्री लिखो, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो प्राइमरी कौन सा होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, कार्बन पॉजिटिव कितना बच्चों, यहाँ पे एच दो एच है, तो क्या होगा बच्चों, ये होगा या होगा आपका प्राइमरी। प्राइमरी ये वाला कैसे होगा बच्चों, सेकेंडरी, ये होगा आपका सेकेंडरी, और ये क्या होगा, ये होगा आपका टर्शियरी। अब मान के चलते बच्चों मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ, अब सपोज करो शिवा ने एक लड़की है, ठीक है ना, शिवा ने एक लड़की है, अब क्या हुआ शिवा ने से 1000 रुपए खो गए, अज्यूम करते हैं उससे क्या होगा, 1000 खो गए तो क्या हुआ, शिवानी क्या होगी, शिवानी होगी अनस्टेबल, शिवानी अनस्टेबल होगी, मतलब उसको समझ में आ रहा मुझे करना क्या है। अब क्या हुआ कि ऐसा कोई दोस्त आया उसके पास जो कह रहा है उसको, जो कह रहा है उसको पैसे दे रहा है, क्या कह रहा है उसको, उसको पैसे दे रहा है, तो शिवानी क्या होगी बच्चों, स्टेबल होगी कि नहीं होगी, स्टेबल हो जाएगी। अब देखो हाँ घर वाले स्टेबल नहीं करेंगे, घर वाले बराबर लाती आएंगे फिर बाद में, ठीक है ना। हाँ अब सिंपल जाते हैं, अब एक कार्बन के पॉजिटिव, देखो जब मैं बोल रहा हूँ कार्बन पॉजिटिव चार्ज, उसका मतलब क्या होगा बच्चों, सही होगा ना, कार्बन पे कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो अगर आपका ऐसा कोई ग्रुप आता है कि जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो क्या होगा बच्चों, वो आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखो ये क्या सोचो, ये जो मिथाइल होता है, जो आपका आर ग्रुप होता है, ये सोचो ये आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन देता है किसको, सामने वाले को, तो क्या होचो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे रहा है,
ये आपका लेटर यहाँ से दे रहा है। अब क्या बच्चों, ये आपको दो देने वाले बच्चों, और यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका तीन, यहाँ पे आपका तीन देने वाले। तो मुझे बताओ कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और आपका यहाँ पे तीन देने वाले, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? टर्शरी सबसे स्टेबल होगा, सेकेंडरी उसके उसके बाद आएगा, फिर आप ये आपका होगा, ये वाला पार्ट होगा। ओके अब देखो ये वाला पार्ट, अब ये वाला पार्ट पढ़ो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक को पढ़ो बच्चों, प्लीज पढ़ो जरूर बच्चों। ये वाला पार्ट कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो। हां हां पढ़ो मंदी का पढ़ो। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एसिड्स विद अल्कोहल इज इन द ऑर्डर HI greater than HBr greater than HCl. The order of reactivity of alcohols with halo acid is tertiary, is greater than secondary and greater than primary. Okay. तो मतलब क्या बोला बच्चों? देखो अगर मान के चलो आपको अगर अल्कोहल है और आपको यहाँ पे एसिड से रिएक्ट करना है, तो एसिड को जब रिएक्ट करे तो कौन सा एसिड सबसे रिएक्ट करेगा बच्चों? जो आपका अच्छा वाला पार्ट कैसा होगा, ये आपका सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। फिर क्या होगा बच्चों? फिर आपका एच बीआर आएगा, फिर क्या बच्चों आएगा? फिर आपका एच सी एल आएगा। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो आपका ऐसा क्यों है? अच्छा क्यों पहले आ रहा है, एचसीएल क्यों बाद में आ रहा है, मुझे बताओ, बताओ जरा, कम ऑन। सर क्या बोला? देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर क्या बच्चों, एचआई के सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, फिर आपका एच बी आर, फिर आपका एचआई है। ऐसा क्यों नहीं कि आपका एचसीएल का ज्यादा है कंपेयर टू एचआई? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एचआई क्यों ज्यादा है मुझे बताओ, एचआई क्या क्यों ज्यादा है वो मुझे बताओ। क्योंकि आईएलडी में। अब देख बच्चों, अब तो सिंपल सी बात है ये पार्ट। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दो, अब देखो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान समझ, देखो बच्चों एक आपका एच सी एल है, एक आपका एच बी आर है, एक आपका एच आई है ना, ये पार्ट है। अब देखो अब सिंपल से ये डाउन दो, कैसे ऐसा होता है बच्चों, फ्लोरीन पहले आता है, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा और फिर आयोडीन आएगा, हाँ है ना? यस अब देखो जब हम पीरियडिक टेबल में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे क्या होता है बच्चों, साइज बढ़ता है, क्या होता है आपका यहाँ पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। अब देखो जो आपका हाइड्रोजन के साथ वो छोटा साइज का है, देखो हाइड्रोजन छोटा है और आयोडीन बड़ा है, तो मुझे बताओ कि आपका हाइड्रोजन और आयोडीन में बॉन्ड कैसा होगा, वीक और स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, कैसा होगा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन और आयोडीन में बॉन्ड कैसा होगा, वीक और स्ट्रॉन्ग होगा? देखो मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पर हेलो 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 मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि आपका किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, किसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन क्लोरीन का। अब सिंपल सी बात देखो, अगर आपको बोल रहा हूँ अगर आपका आप दो दोस्त बेस्ट फ्रेंड है तो क्या होता है, अगर बेस्ट तो कैसा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अगर ऐसे फ्रेंड तो क्या होगा बॉन्ड वीक होगा। देखो इसका साइज क्या बच्चों, इसका साइज बड़ा है तो क्या होगा बच्चों, जैसे आपका साइज बड़ा है तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, जो आपका इंट्रैक्शन कैसे होगा वीक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो बॉन्ड ये आपका बॉन्ड जल्दी वीक, जल्दी आपका ब्रेक हो जाएगा, तो जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा क्या होगा बच्चों का, ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों, जिसका बॉन्ड जल्दी वीक हो जाएगा वो जल्दी टूट जाएगा, और दो ये मान के चलो ये आपका टूट गया तो क्या होगा, ये आपका जल्दी रिएक्ट भी कर लेगा, सिंपल से बता ना, जो जल्दी टूट जाएगा वो जल्दी रिएक्ट भी कर लेगा नहीं करेगा, हाँ या ना? यस सर, यस सर, ओके ये वाला पार्ट। अब देखो ये हमने पढ़ लिया, तो ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा रिएक्टिविटी का, हाइड्रोजन ज्यादा होगा, फिर आपका एच बी आर, फिर आपका एच आई, रीजन क्या होगा बच्चों, बिकॉज ऑफ साइज, साइज डिफरेंस है। अब देखो फिर हमने क्या बात की बच्चों, ऑर्डर ऑफ रेट अल्कोहल की, अल्कोहल का रेट किसका होगा बच्चों, क्या कैसा होगा आपका, सबसे पहले टर्शियरी आएगा, फिर आपका सेकेंडरी आएगा और फिर आपका प्राइमरी आएगा बच्चों, क्या आएगा प्राइमरी आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, सिंपल से मान के चलो पार्ट देखो, ये पार्ट है मान के चलो, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका OH है और यहाँ पे आपका OH है, राइट, ऐसा OH है, तो बॉन्ड कैसे ब्रेक हो, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है बच्चों,
ये ऐसा बॉन्ड बच्चों कैसा कैसा हो रहा है बच्चों, ऐसा हो रहा है ओ माइनस ये सी प्लस पॉजिटिव है ना, तो देखो तो क्या बने बच्चों कार्बोकोटम बन रहा है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल बच्चों, टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, तो उसको कौन ज्यादा रिएक्टिव हो बच्चों, टर्शरी आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा बच्चों, समझे सारी बात, ये बात डन यस सर। ओके तो ये क्या बच्चों, ये आपका पहला वाला पार्ट होगा। ओके अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपका कौन सा रिएजेंट आ रहा है बच्चों, कौन सा रिएजेंट आ रहा है आपका, पोटेशियम एडेड और आपका H3PO3, तो क्या बना बच्चों आपका, क्या बना आपका यहाँ पे आपका R, क्या बना आपका R I बना, हाइड्रोजन एडेड यूज करोगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बच्चों आपको KI प्लस H3PO यूज करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, समझे सारे बच्चे डन यस सर। अब देखो ये लगा, ये लगा पहला पार्ट हो गया, ठीक है पहला पार्ट हो गया। अब देखो अभी मैं आपको ये दूसरा पार्ट बताता हूँ, ध्यान समझना, बहुत मजेदार ध्यान समझना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाँ शेन बोलो सर, फर्स्ट वाला बता दो थोड़ा सा ना, मैंने कुछ मतलब कास्ट में बड़ी थी। हाँ अभी अभी देखो, अभी जो बता रहा हूँ ना उसको ध्यान समझो, आपको पहले वाले समझ में आ जाए, आप है ना अभी जो सेकंड वाला है उसको ध्यान समझो, पहले वाले आ जाए, ठीक है ना। ओके ध्यान, अब देखो ये क्या हो, आर है, आर मतलब क्या होगा, कार्बन चेंज होगा, देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा बच्चों, ऐसे ब्रेक होगा ना बच्चों, बॉन्ड ऐसे ब्रेक, तो कैसे बनेगा बच्चों, R पॉजिटिव OH माइनस होगा बच्चों, हाय है ना yes, yes, sir. Yes, sir. ये कैसे ब्रेक हो बच्चों, Na प्लस नेगेटिव, अब देखो अब ये कैसे लोगो बच्चों, ऐसा लोगो होगा बच्चों, H2 पॉजिटिव H2 नेगेटिव, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है बच्चों, ऐसे हो सकता है H पॉजिटिव H SO4 नेगेटिव, ऐसे हो सकता है यस सर है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो अब ध्यान शीतल शिवानी ध्यान समझ, देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, बीआर कहाँ पे जाएगा बच्चों, बीआर जाएगा आर के पास, क्या बनेगा आर बीआर, अब देखो अब यहाँ पे क्या बच्चों, सोडियम पॉजिटिव, क्या ये कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये जाएगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा बच्चों, एन ए एच एसओ फोर बनेगा। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे OH माइनस, क्या बनेगा बच्चों, वाटर बनेगा, H2O, वही देखो सेम रिएक्शन देखो, दिख रहा है RBr NaOH4 और आपका H2O। पर चलो बच्चों हमने कैसे किया पार्ट किया, समझ गए ओके। अब देखो बच्चों अभी हमने दूसरा पार्ट दिया, दूसरा पार्ट में कैसे किया सीखा बच्चों, देखो अगर आपको ROH ले रहे हो मतलब आपका हल्का OH क्या होगा बच्चों, हमने क्या यूज किया बच्चों, आपने यूज किया दैट इज एन ए बी आर यूज किया और क्या यूज किया बच्चों, आपने H2SO4 यूज किया, तो क्या बनेगा बच्चों आपके, क्या बनेगा आप बोलोगे, आपका R आपका बनेगा R बी आर बनेगा प्लस दूसरा क्या बनेगा बच्चों, बनेगा आपका एक आपका वाटर बनेगा बनेगा और प्लस आपका एन ए एच SO4। देखो अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम में खाली ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए आपका कैसा बन रहा है, ये कैसा बन रहा है वो भी आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, समझे सारे बच्चों मेरी बात, yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला पार्ट हो गया, अब देखो तो हमने सेकंड वाला पार्ट हम कर लिया, हम बात करते हैं थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट करते, ये बहुत सिंपल है, ध्यान समझे कैसे बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, ये देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, देखो क्या बोला है यहाँ पे, ये बोला है अगर क्या करते हो, अगर आप क्या करते हो, अगर आप PXI यूज करते हो मतलब क्या होगा बच्चों आपका फॉस्फरस पेंटा वर्ड यूज करते हो, या तो क्या यूज करोगे आपका PXI यूज करोगे, मतलब देखो या तो क्या होगा बच्चों, या तो आप PCl5 यूज करोगे या तो आप PCl3 यूज करोगे, हाँ दोनों में से ये आएगा बच्चों। देखो यहाँ पर क्या यूज किया बच्चों, ROH मतलब क्या होगा आपका R OH डाला और क्या डाला बच्चों, आपने PCl5 डाला तो बने क्या बच्चों, क्या बने आपका RCl तो बनेगा, दूसरा क्या बनेगा बच्चों, देखो क्या बने आपका POCl3 बनेगा और क्या बनेगा बच्चों आपका HCl बनेगा। अब देखो इसको, देखो इसको कैसे याद करें बच्चों, ये भी बहुत सिंपल, ध्यान समझ कैसे, देखो यार पार्ट, अब यहाँ पे कितना क्लोरीन है बच्चों, कितना क्लोरीन है आपका, पांच क्लोरीन है। अब देखो एक क्लोरीन यहाँ पे आ जा रहा है,
एक क्लोरीन यहाँ बन रहा है, एक क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, राइट। एक क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, बचा कितना बच्चों, तीन बच्चा, क्या होगा बच्चों, CO Cl, खत्म। ऐसा तो देखो हमेशा ध्यान रहे बच्चों, अगर आपने यह यूज किया, अगर आपने PCl5, अगर आपने क्या अपने यूज किया, आपने PCl5 यूज किया, क्या बनेगा बच्चों, आपका बनेगा, आप ये बोलोगे आपका बनेगा, आपका RCl बनेगा प्लस HCl बनेगा, और क्या बनेगा बनेगा आपका POCl3 बनेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? अब देखो अभी एल पार्ट, अब देखो इसके भी ट्रिक क्या, देखो एल पार्ट देखो, देखो अब देखो, अगर आपने यूज किया उसके बच्चों, अगर आपने यूज किया PCl3, अगर आपने यूज किया PCl3 यूज किया बच्चों, तब क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पे तीन तो क्या बच्चों, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे आपका 3 mol ROH, क्या करोगे बच्चों, 3 mol ROH यूज करोगे, प्लस डालोगे बच्चों, प्लस PCl3 डालोगे, क्या बनेगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आपका बनेगा आपका 3 mol RCl, 3 mol RCl प्लस क्या बनेगा बच्चों, आपका बनेगा H3PO3। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल है बच्चों, डन। देखो सबसे आपको बन क्या रहा बच्चों, आपको क्या बन रहा है, आपके आप ये बोलोगे आपका क्या बन रहा है, आपका अल्कोहल से अल्कोहल हेड बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सारे बच्चे प्रॉपर समझ में आ रहा है, सारे बच्चे, शिवानी आ रहा है बच्चा, yes, आ रहा है कि नहीं आ रहा शिवानी? यस सर, यस सर। ओके बढ़िया, अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम और आगे बढ़ते हैं, ये लो पार्ट। अभी क्या बच्चों, ये आपका, ये आपका इस चैप्टर का, ये आपका इस चैप्टर का पहला नेम रिएक्शन है, ये आपका इस चैप्टर का पहला नेम रिएक्शन बच्चों। देखो इससे क्या बोलते बच्चों, इससे हम बोलते, इससे हम बोलते आपका थायोनाइल क्लोराइड। रीजन क्या बच्चों, आपको कौन सा रीजन है, इससे क्या बोलते हैं, इससे बोलते आपका SOCl2, क्या बोलते बच्चों, SOCl2 बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज करें बच्चों, जैसे क्या करेंगे आपका, हमने क्या करेंगे आपका ROH यूज करेंगे, प्लस क्या यूज करें बच्चों, SOCl2 यूज करेंगे, फिर क्या होगा बच्चों, आपका क्या आएगा, आपका आएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसे होगा आपका, होगा पिरिडिन, आपका होगा पिरिडिन सिल्वर होगा। अब पिरिडिन स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा होता है बेंजीन स्ट्रक्चर होता है बच्चों, नाइट्रोजन आ गया, ऐसा आ गया, ये बॉन्ड ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा, और ये बॉन्ड ऐसा, ये क्या बना बच्चों, ये बना आपका पिरिडिन, ये कैसा होता है, ये होता है बेस, ये होता आपका बेस होता है बच्चों, ये क्या होता है आपका बेस होता है, समझिए बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या बने बच्चों, क्या बने बच्चों आपका यहाँ पर, तो आप ये बोलोगे आपका यहाँ पे बन रहा आपका RCl बनेगा, और क्या बच्चों होगा आपका, आपका यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और प्लस आपका HCl गैस बनेगा। तो हम इससे क्या बोले बच्चों, क्या बोलते हैं, हम इससे बोलते हैं आपका डार्ज, क्या बोलते हैं आपका डार्जन रिएक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं, या तो आपका डार्जन हैलोजेनेशन बोलेंगे, तो दोनों में से आप कोई बोल सकते, आपका आंसर सही आएगा। हाँ बोलो दीपिका, कुछ कुछ डाउट था बच्चा? हेलो हेलो हेलो, सारे बच्चे आ रहा समझ को, सारे बच्चे लोग को, ओके। तो ये पार्ट कैसे, ये पार्ट है बच्चों, ये आपका प्रिपरेशन क्या है बच्चों, आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। और एक बच्चा बच्चों देखो ध्यान समझो, ये पार्ट देखो, हमने ये वाले पढ़ लिया, हमने ये वाले पढ़ लिया, और ये वाले भी पढ़ लिया, क्या बच्चे बच्चों, ये पार्ट बच्चा देखो, ये पार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो आपने ROH चूज किया है, यहाँ पे आपने ROH चूज किया, और क्या लिया बच्चों, यहाँ पे आपने रेड फॉस्फोरस लिया बच्चों, यहाँ पे रीजन क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, या तो Br2 होगा या तो I2 आएगा, क्या क्या करो बच्चों, यहाँ या तो Br2 लो तो क्या बनेगा बच्चों, RBr बनेगा। और अगर आपने क्या यूज किया बच्चों, अगर आपने R रेड फॉस्फोरस यूज किया और आपने I2 यूज किया, तो क्या बनेगा बच्चों, RI बनेगा, यहाँ पे आपका RI बनेगा। तो ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, समझे सर बच्चे, ये क्या बच्चों, ये सर आपके रिएजेंट्स हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से रीजन से क्या बनेगा। अब देखो मैं आपको वापस समराइज करता हूँ, सारे बच्चे ध्यान समझना, सारे बच्चे ध्यान समझना, अब देखो पहला वाला क्या था बच्चों, देखो पहला वाला क्या था, ये था आपका लुकास, क्या था आपका लुकास रिएजेंट था बच्चों,
हाँ है ना बच्चों, देखो अगर आपका एक्सीएल है और आपका जेड एन सी, तो क्या आपका लुकास आ गया, आपका एसोसिएट हो, तो क्या क्या बोले बच्चों, कैसे नाम है इसका, नाम है इसका, नाम है आपका डार्जन, डार्जन रिएक्शन आ गया। अब देखो, अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम ऐसा पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको सपोज एग्जाम में आया, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर बी आर इज फॉर्म, किसमें आपका आर बी आर बने बच्चों, तो आपका क्या आंसर है बच्चों, क्या बोलोगे, पहला रिएजेंट कौन सा बच्चों, ये पहला रिएजेंट है, दैट इज देखो आपका, अगर आपको आर बी आर बनाना है तो कौन सा रिएजेंट आएगा बच्चों, आप बोलोगे आपको सोडियम ब्रोमाइड यूज करना पड़ेगा और आपको H2SO4 यूज करना पड़ेगा, ये आपका आर बी आर के लिए। दूसरा रिएजेंट क्या है बच्चों, दूसरा रिएजेंट क्या है होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप करोगे आपका 3 mol ROH लोगे, प्लस यहाँ पे लोगे बच्चों, आप लोगों यहाँ पे पी बी आर 3 यूज करोगे और क्या बनेगा बच्चों, आप क्या बनेगा आपका 3 mol RBR बनेगा, ये होगा बच्चों। तीसरा कौन सा आएगा बच्चों, दूसरा तीसरा क्या आएगा बच्चों, आपने लिया अल्कोहल लिया और क्या लिया बच्चों, आपने लिया रेड फॉस्फरस और आपने क्या यूज किया बच्चों, ब्रोमीन गैस यूज किया, क्या बनेगा बच्चों, आप क्या बनेगा आपका आर बी आर बनेगा, ये आपका तीसरा मेथड। तो अगर देखो, अगर आपका, अगर आप ये तीन लोग तभी आपका क्या बनेगा, आपका आर बी आर बनेगा, अदरवाइज आर बी आर नहीं बनेगा। ये पढ़ा गया, डन सारे बच्चे। फिर अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर आपको बनाना है आपको अगर आपको बनाना है आर सी ओ सी एल, आपको बनाना है, सॉरी आपको बनाना है आपका आर सी एल बनाना है, तो क्या यूज कर सकते बच्चों, आप बोलोगे एच सी एल प्लस जेड एन सी एल टू, ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप लोगे सी मोल आर ओ एच प्लस पी सी एल थ्री लोगे, ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या क्या होगा बच्चों, आप क्या लोगे, आप लोगे पी सी एल फाइव लोगे बच्चा। चौथा मेथड क्या होगा होगा बच्चों, आप लोगे एस ओ सी एल टू लोगे, तो क्या बच्चों, ये क्या आपका, ये आपका चार मेथड, जिससे क्या बन सकते हो आप क्या बन सकते हो आप आर सी एल। और आपको एग्जाम पूछेंगे ऐसा कौन सा मेथड जिसमें क्या आपको बनाना होगा आर आई, आपको बनाना है आर आई बनाना बच्चों, तब क्या होगा बच्चों, तब कौन सा यूज करोगे, तब आप ये बोलोगे आपको यूज करना होगा आपका रेड फॉस्फोरस यूज करना होगा और क्या आपका आई टू यूज करना, तो क्या बने आपका ये बने। दूसरा रिएक्शन क्या बच्चों, दूसरा कौन सा होगा, आप बोलोगे कि मैं यूज करूंगा आपका एच आई प्लस के आई प्लस एच थ्री पी ओ फोर, ये अगर मैं यूज करूँ तो क्या बने आपका आर ए बनेगा। कैसे बचल बच्चों, यहाँ से बचल, ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये पहला या पहला दूसरा। सर मेरी रिकॉर्डिंग में देखूंगी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या बच्चा, ओके ओके फाइन ठीक है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका तीन मेथड हो गया बच्चों, कौन सा, एक आपका आर सी एल बनाने के लिए, एक आपका आर बी आर बनाने के लिए और आपका आर आई बनाने के लिए। समझे सारे बच्चे, डन इजी, ओके। अब देखो, सपोज करो आपको एग्जाम में से कुछ, सपोज करो आपको एग्जाम में से कुछ क्वेश्चन आता है, ध्यान समझना, अभी आपका चैप्टर एंड होने वाला है, बहुत समझ समझ देखो, यहाँ पे देखो, सपोज करो आप ये यूज करते हो, दैट इज आर, सॉरी सपोज ऐसे कुछ करते हो सी एस थ्री सी एस टू सी सी एस थ्री एच और यहाँ पे यहाँ पे आ गया आपका ओ एच और अपने यूज किया, आपको यहाँ पे बोलेंगे रेड फॉस्फरस और आई टू, क्या बनेगा, तो आप क्या बोले बच्चों, कुछ नहीं बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, सी एस थ्री सी एस टू सी सी एस थ्री एच और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आई आ जाए, क्या हो चुका, ये आपका होगा, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आएगा, तो सिंपल से याद रखो, क्या होना चाहिए आपको, आपको जो रीजेंट है आपको वो रीजेंट आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। सारे बच्चे समझे, सारे बच्चे अल्फाट हमने कैसे किया, यस सर। अब देखो ये पार्ट हो गया, अब देखो अगर आपको ये पार्ट समझ गया तो आपको दूसरा जो पार्ट है वो भी आपको और इजी समझ में आ जाएगा। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट ये है, दैट इज फ्रॉम अल्केन्स, फ्रॉम अल्केन्स मतलब क्या होगा बच्चों, क्या करेंगे
हम क्या करेंगे आपका, हम क्या करेंगे आपका, आर क्या बने बच्चों, हम आर एक्स बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे आपको, फ्रॉम एल्केन से बनाएंगे। सारे बच्चे समझ रहे हो बच्चों, हाँ या ना? क्या बात है, सारे बच्चे लेफ्ट होके जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर बच्चों की क्लास लेफ्ट हो रही है शायद। ऐसा क्या पता नहीं यार। अब देखो, अब देखो, अब ये पार्ट देखो बच्चों, ये पार्ट देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, तो जब भी आपका क्या आता है डबल बॉन्ड, तो क्या क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको, क्या बोलते हैं, अल्किन कहते हैं, हाँ या ना बच्चों? अब देखो, अब दो सपोज करो, अब दो सपोज करो, अगर मैं ये बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करूं या मैं इस बॉन्ड को ऐसा ब्रेक करूं, तो कैसा होगा बच्चों? ऐसा आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। राइट? ऐसा होगा। अब ये क्या बच्चों, ये आपका है आर एक्स, मतलब कि कोई भी हेलोजन को, ऐसा होगा बच्चों, ये आर एक्स होगा, तो बॉन्ड कैसे ऐसा ब्रेक हो बच्चों, ये ऐसा ब्रेक हो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा आपका पॉजिटिव, हाँ या ना, हाँ ना बच्चों? यस अब मुझे बताओ नेगेटिव कहाँ जाएगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव के पास जाएगा, यही तो बना हुआ है, देख रहे हो बच्चों, ये पार्ट है ना, समझ पा रहे? अब यस देखो, अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है बच्चों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है, तो जब भी देखो, जब क्या होगा बच्चों, जब भी आपका क्या होगा, आपका अल्किन में, जब भी आपका अल्किन में क्या होगा, आपका होगा एडिशन होगा, आपका एडिशन रिएक्शन होगा, किससे होगा बच्चों, आपका या तो एच बी आर से होगा, या तो एच सी एस होगा, या तो आपका एच आई से होगा, तो वहां पे कौन सा रूल आएगा बच्चों, वहां पे लगता है आपका, यहाँ पे आपका मार्कोनी का रूल लगता है। अब देखो, अब ये मार्कोनी का रूल क्या होता है बच्चों, अब उसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, तो मार्कोनी रूल क्या कहता है बच्चों, ये बोलता है, ये बोलता है बच्चों, देखो द कार्बन, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू डबल बॉन्ड विल बी द मेजर प्रोडक्ट, विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये बच्चों कि अगर आपको कोई डबल बॉन्ड है, अगर आपको कोई डबल बॉन्ड रिएक्शन आ रहा है, तो क्या हो बच्चों, रिएक्शन कैसे कैसे बने बच्चों, कि जिस कार्बन क्या होगा आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा वो आपका, क्या होगा वहां पे, जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन वहां पे, वहां पे अटैक करेगा। अब सपोज ये पार्ट है, ये दिख रहा है बच्चों, ये रिएक्शन दिख रहा है सारे बच्चे? अब ये जो रिएक्शन है, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे इस पार्ट में डबल बॉन्ड आ रहा है। अब देखो बच्चों, ये आपका ये कार्बन एक है और ये कार्बन है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका दो हाइड्रोजन है, तो जो आपका आयोडीन है, जो आपका आयोडीन कहाँ पे अटैक करेगा बच्चों, जिस कार्बन पे आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका, वहां पे अटैक करेगा, तो ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा, ऐसा अटैक करेगा, ठीक है बच्चों? एच कहाँ पे होगा, एच आपका ऐसा अटैक करेगा। अब देखो, अब ये कैसे कैसे होगा, ध्यान से कैसे होगा, देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो क्या होगा बच्चों, ये बना नेगेटिव, ये बना आपका पॉजिटिव, ये क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या है बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो रिएक्शन कैसे होगा, ऐसा होगा बच्चों, दैट इज सी एच थ्री, सी एच आई सी एच थ्री, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, यस ठीक है बच्चों, समझ गए पार्ट? सर। ओके, तो अगेन बोलो बच्चों, मार्कर रूल क्या कहता है बच्चों, मार्कर रूल यही कहता है, अगर कार्बन क्या होगा, अब क्या बोलोगे, जहां पर डबल बॉन्ड है, तो जिस डबल बॉन्ड क्या होगा आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, आपको जो हाइड्रोजन आपका वहां पे अटैक होगा बच्चों। और आपको ये बोल, अब आपको और भी बता देता हूँ, जो आपका मार्कर रूल है, जो आपका मार्कर रूल किससे बेस्ट बच्चों, ये बेस्ट आपका कार्बो कटायन, ये आप बेस्ट आपका कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी, कार्बो कटायन की स्टेबिलिटी को बेस्ड है, मतलब क्या होगा बच्चों, होगा टर्शी पहले आएगा, फिर आपका सेकेंडरी आएगा, फिर आपका प्राइमरी आएगा, समझ प्राइम गया इतना पार्ट सारे बच्चों, समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? यस सर। ओके सारे बच्चे समझ गए, डन। अब देखो,
अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखो एक ही दिख रहा होगा दो, एक आपको माइनस दिख रहा होगा, एक आपको मेजर दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों? देखो तो जिस कार्बन क्या होगा आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वो क्या वहां पे क्या आएगा बच्चों, वहां पे आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा। और माइनस क्या होगा बच्चों, जिसका ज्यादा हाइड्रोजन होगा आपको वहां माइनस बन जाएगा बच्चों। इतना पर सारे बस समझ गए? हाँ या ना? अब देखो बच्चों, अब ध्यान समझो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो अब मान के चलो ये बॉन्ड, अब देखो मान के चलो ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो रहा है तो क्या होगा बच्चों, कैसे होगा? ये नेगेटिव आएगा और ये आपका पॉजिटिव आएगा। अब देखो मुझे बताओ बच्चों कि ये जो सी एच टू पॉजिटिव ये कैसा, ये आपका प्राइमरी सेकेंडरी, मुझे बताओ ये कैसा है, ये प्राइमरी या सेकेंडरी है? प्राइमरी प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी बना। अब देखो ये प्राइमरी बना, अब सपोज को मैं ऐसे बना, मैं बॉन्ड ऐसे ब्रेक करा रहा हूँ तो ये नेगेटिव बना और ये पॉजिटिव बना। अब ये कैसा बच्चों, ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी सेकेंडरी है बच्चों? आप क्या बोलोगे ये कैसा आपका, ये आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेकेंडरी है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, सेकेंडरी प्राइमरी? सेकेंडरी तो आपका मेजर पॉइंट क्या होगा बच्चों, आपका आयोडीन कहाँ पाएगा, आपका आयोडीन यहाँ पे आएगा, जहाँ पे आपका सेकेंड होगा वहां पे आपका कार्बन आयोडीन आएगा बच्चों। इतना पर सब समझ गए? डन। ओके यही क्या बच्चों, यही आपका मार्कर रूल कहता है। यहाँ पे देखो ये पार्ट, आई गेस ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चा आराम से कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, कम ऑन, बहुत सिंपल है। इसका आपको क्या बताना है, मेजर, इसका आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। सिंपल है ना, कर लोगे ना बच्चों सारे बच्चे? करो यस सर, बच्चे कम ऑन, इजी है, कम ऑन करो। से कर लिया। कर लिया? अब देखो ऐसा होगा, देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव बना, ये बना पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या होगा ये यहाँ पर गया और ये यहाँ पर, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, ऐसा बनेगा दैट इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एल सी एच थ्री। तो देखो ये आपको दो, देखो आपको वापस बता, देखो जहां पे डबल बॉन्ड दिखे और क्या दिखे बच्चों, अगर आपको एच सी एल दिखे, एच बी आर दिखे या एच आई दिखे, आपको जैसे मैंने बताया आपको से क्या होगा बच्चों, द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। समझ में प्यारे बच्चों? डन ना। यस सर। अब ये करो बच्चों, ये करो, ये देखो ये कार्बन है और ये कार्बन है, क्या आंसर आएगा? इजी है, ये भी आपका इजी पार्ट, इजी वाला पार्ट है। कैसे बनाओ बच्चों, कम ऑन, कैसे बनाओ बच्चों, कम ऑन, ये पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। हो गया, हो हो गया। गया। अब ऐसा बॉन्ड, यस सर, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो कैसे होगा बच्चों, ये आएगा नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन यहाँ पे यस हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे दे, तो आंसर ऐसा होगा, बी आंसर ऐसा होगा बच्चों। देखो ऐसा होगा आंसर, ये मैंने बेंजीन बनाया बच्चों, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन एक एच है और यहाँ पे एक बी आर है, आर सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे एच आ गया, यहाँ पे एच आ गया और ये चल, क्या बच्चों ये इसका आंसर है। समझे सारे बच्चे हमने कैसे किया? सारे बच्चे डन। आयना, यस दीपिका, सुनिधि, रिशिता, सर, ऐश्वर्या, शानवी, अंकिता, अंकी, प्रॉपर यस समझ गए बच्चों? देखो अगेन बोलना बच्चों, देखो आपको मैंने मार्कोनी का रूल के बारे में बता दिया बच्चों, ठीक है, आपको मैंने प्रिपरेशन प्रिपरेशन के बारे में बताया बच्चों, कहाँ से, अल्कोहल से प्रिपरेशन बताया, और कलम क्या करें बच्चों, कलम आपका और नेम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों? डन। सर, ओके बच्चों फाइन, ठीक है, तो एक बार देख लो बच्चों, किसी बच्चों कुछ भी डाउट मुझे पूछ पूछ सकते हो, अगेन डाउट नहीं होना चाहिए। देखो अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आपको बहुत प्रॉपर समझा रहा हूँ, प्लीज किसी कुछ भी डाउट है मुझे पूछना जरा, ठीक है? डन। यस हाँ क्लास खत्म, क्लास खत्म, क्लास खत्म, ओके ओके। चलो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ बच्चों, थैंक यू सो मच, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं। सर, थैंक यू।